students, today we will do question answers of lesson number 1 to big states. ठीक है, हम जो है lesson 1 के question answers से to big state उनके question answers करेंगे जो आपको worksheet में बहुत important है. clear? तो उसमें सबसे first question कौन सा है, तो when was king Harshvardhan born? Harshvardhan king थे, उनका born कब हुआ था, कौन से इसमें हुआ था सेंचुरी में, हमें वो लिखना है. तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE. किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE. क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला सबको किस तरीके से लिखना है, किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE. ये आपको लिखना है इन दिस सेंचुरी में. व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग हर्षवर्धन सिस्टर? किंग हर्षवर्धन जो थे उनके सिस्टर का नाम क्या था? किंग हर्षवर्धन थे उनके सिस्टर का नाम क्या था? आपको यहाँ पे वो पूछा है, तो क्या था उनका नाम? राज्यश्री. तो किंग हर्षवर्धन सिस्टर्स नेम वाज राज्यश्री, ऐसा लिखते हैं. किंग हर्षवर्धन सिस्टर्स नेम वाज राज्यश्री. क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट है, हु वाज द किंग ऑफ मालवा? किंग मालवा का किंग राजा कौन था, उसका नेम क्या है? हु वाज द किंग ऑफ मालवा? मालवा का किंग कौन है? तो इसमें आएगा देवगुप्त. तो देवगुप्त वाज द किंग ऑफ मालवा, या तो द किंग ऑफ मालवा वाज देवगुप्त. अब दोनों का एक कैसे लिख सकते हैं? क्लियर? द किंग ऑफ मालवा वॉज देवगुप्त. क्लियर? समझ में आया सबको? हु वॉज द किंग ऑफ मालवा? तो देवगुप्त. तो द किंग ऑफ मालवा वॉज देवगुप्त. क्लियर? नेक्स्ट है, वॉट वॉज फादर्स नेम ऑफ किंग हर्षवर्धन? किंग हर्षवर्धन जो था उसके फादर का नेम क्या था? उनके फादर का नेम हमने पढ़ा था लेसन में, प्रभाकर वर्धन जो है उनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन. ठीक है, तो किंग हर्षवर्धन फादर्स नेम वॉज प्रभाकर वर्धन. किंग हर्षवर्धन फादर्स नेम वॉज प्रभाकर वर्धन. आपको जो है फुल सेंटेंस इस तरीके से लिखना है, ओनली वन वर्ड में. किंग हर्षवर्धन फादर्स नेम वॉज प्रभाकर वर्धन. क्लियर है सबको? कैसे लिखना है? किंग हर्षवर्धन फादर्स नेम वॉज प्रभाकर वर्धन. प्रभाकर वर्धन की ये स्पेलिंग है. ठीक है, वो आपको अच्छे से पहले रीड करना सीख लो. प्रभाकर वर्धन आपको स्पेलिंग पे आ जाएगी बिना देखे. बाय हुम राज्यवर्धन किंग? राज्यवर्धन जो था कौन था? राज्यवर्धन हर्षवर्धन का ब्रदर था. तो राज्यवर्धन को किसने मारा था, किसने किल किया राज्यवर्धन को, यहाँ पे वो पूछा है. ठीक है, बाय हुम राज्यवर्धन किंग? राज्यवर्धन को किसने मारा था, नेम उसका क्या है? आपको ऐसा लिखना है, राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ कौड शशांक. जो कौड का किंग था उसका नेम था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मारा था. तो राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ कौड, दैट मीन्स शशांक. क्लियर है सबको यहाँ तक? किस राज्यवर्धन को किसने किल किया? तो राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ कौड, उसका नाम था शशांक. ठीक है, ये जो है वो मेन है इसमें. किंग ऑफ गोड, किंग ऑफ जो गोड था उसका नेम था शशांक. उसने राज्यवर्धन जो था उसको किल किया था. क्लियर है सबको यहाँ तक? आप जो है ये इतने क्वेश्चन आंसर सबको आ गए. बॉर्न कब हुआ? तो 606 CE में. व्हाट वाज नेम ऑफ राज्यवर्धन सिस्टर? तो राज्यश्री. तो
बाद में और दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है? आप जो है अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लीजिए, ओके? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसमें आप देखेंगे। तो
क्लियर। अब नेक्स्ट, विच थ्री प्लेस ऑफ किंग हर्ष वॉज हर्ष हैज रिटन, विच थ्री प्लेस किंग हर्ष हैज रिटन, कौन से तीन प्ले है जो किंग हर्ष ने लिखे है, कौन से तीन प्ले है जो किंग हर्ष ने लिखे है, उन्होंने कौन से लिखे थे, मैंने सिखाया था ना उस टाइम में, नागानम, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, मैंने सिखाया था उस टाइम में, नागानम, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, लर्न करना है, मैंने याद रखने के लिए टेक्निक भी बताई थी, तीन नेम है नागानम, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, क्लियर, नागानम, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये जो तीन प्ले है बहुत उन्होंने किंग हर्षा ने खुद लिखे थे, वो बहुत फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेम लिखना है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका वॉज रिटन बाय किंग हर्ष, ऐसे लिख सकते हो, वॉज रिटन बाय किंग हर्ष, इस तरीके से आंसर में आपको लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, विच किंग ट्राइड टू मेक नालंदा अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, नालंदा को फेमस वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनाना कौन सा किंग चाहता था, कौन सा किंग चाहता था कि वो नालंदा को वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बने, यहाँ पे ऐसा बोला है, तो उसमें आएगा किंग हर्ष, किंग हर्ष के लेसन हम पढ़ रहे थे ना फर्स्ट पार्ट कनौज में, तो यहाँ पे उनके नाम है, किंग हर्ष ट्राइड टू मेक नालंदा अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, उन्होंने ट्राई किया कि नालंदा जो है यूनिवर्सिटी उसको वर्ल्ड फेमस बना दे, पूरे दुनिया में वो फेमस हो, उन्होंने उसका वर्ड ट्राई किया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हर्षवर्धन्स डेली रूटीन, हमने पढ़ा था लेसन में कि किंग हर्षवर्धन जो है उनका डेली रूटीन क्या था, क्या था, तो हमने पढ़ा था ना तीन पार्ट में डिवाइडेड थे, फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, दूसरे दो पार्ट में वो एक रिलीजियस एक्टिविटी एंड और को हमने पढ़ा था, है ना, वही हमको यहाँ पे भी मेंशन करना है, क्या वही हमको यहाँ पे भी मेंशन करना है, तो उसमें ऐसा लिखना है कि डिवाइडेड इज डेली रूटीन इन थ्री पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड की थी, ई डिवाइडेड इज डेली रूटीन इन थ्री पार्ट, तीन पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड की थी किंग हर्षा ने, और जो था फर्स्ट पार्ट वॉज, सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या इंक्लूडेड था, तो फर्स्ट पार्ट वॉज एडमिनिस्ट्रेशन पर, फर्स्ट पार्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम थे वो सब वो फर्स्ट पार्ट में करते थे, क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम थे वो फर्स्ट पार्ट में करते थे। अब वाई अदर वर्ड्स डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर, जो फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा जो दो पार्ट थे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए दे दिए थे उन्होंने, मतलब लोगों का अच्छा, पब्लिक वेलफेयर किस तरीके से हो और रिलीजियस एक्टिविटी जो लोग धार्मिक यज्ञ पूजा पाठ करते हैं वो सबके लिए एक्टिविटी के लिए वो सेकेंड पार्ट यूज करते थे, फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड सेकेंड पार्ट वॉज फॉर, इसमें ऐसा है वाइल अदर सेकेंड पार्ट वॉज डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए और रिलीजियस एक्टिविटी, क्लियर, सबको समझ में आया है यहाँ तक सारे। अब जो है फिर से एक बार हम देख लें, फर्स्ट जो है राजश्री जो है उनको किसने पकड़ा था, तो द किंग ऑफ मालवा जिसका नाम था देव, बूस्ट ऑफ राजश्री को किसने कमेंट सती कमेंट करने से रोका, तो यहाँ पे है अवधिश परमिश दिवाकर मित्र स्टॉप राजश्री फ्रॉम कमेंटिंग सती, क्लियर। उसके बाद में व्हाट वाज द किंग ऑफ नेम ऑफ किंग कामरूप, किंग कामरूप जो है वहाँ पर के किंग का नाम क्या था, तो वहाँ पर के किंग का नाम भास्कर वर्मन था, क्लियर, भास्कर वर्मन वॉज द नेम ऑफ किंग कामरूप। फिर है इन किंग हर्षवर्धन विच ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर वॉज एडॉर्न, उनकी कोर्ट में कौन सा संस्कृत ग्रेट पोएट और राइटर जो है था, तो वहाँ पर आएगा पान
डायरेक्टर भी है, क्लियर। फिर है राइट फेमस वर्ब ऑफ बाणभट्ट, फेमस वर्ब बाणभट्ट के फेमस वर्ब बताओ जो उन्होंने लिखा बहुत फेमस थे, तो हॉर्स चरित एंड कादंबरी, हॉर्स चरित एंड कादंबरी को याद भी रखना है। फिर है विच थ्री प्लेस किंग हॉर्स कदम हैज रिटन, किंग हॉर्स कदम है उन्होंने कौन से तीन प्ले लिखे थे, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीन है। और कीजिए है कि नाम याद रखते हैं आपको। विच किंग ट्राइड टू मेक नालंदा अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, हम कौन से किंग का लेक्चर पढ़ रहे हैं, किंग हॉर्स का, तो यहाँ पे आएगा किंग हॉर्स ट्राइड टू मेक नालंदा अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, क्लियर, इतना समझ में आया। फिर है व्हाट वाज हर्षवर्धन डेली रूटीन, हर्षवर्धन जो किंग थे उनका डेली रूटीन क्या था, तो ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इन थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में, एंड फर्स्ट पार्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, फर्स्ट पार्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, सेकंड पार्ट था बाय अदर सेकंड वर डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी, बाय अदर सेकंड फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा पार्ट था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। समझ में आ गए सबको सारे क्वेश्चन आंसर्स? अब जो है आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पुलकेशी टू जो था वो कब टाइम बॉक्स के
हर्षवर्धन के टाइम बना था, बनवाया था यहाँ पे रेस्ट हाउस, बेल्स, टेम्पल्स, लेक्स, मॉट्स एंड पिनारास। क्लियर? अब नेक्स्ट, व्हाट किंग हर्षवर्धन यूज टू डोनेट इन अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एट प्रयाग। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता था जब प्रयाग प्रयाग में, तो किंग हर्षवर्धन जो थे वो क्या चीज डोनेट कर देते थे, दान में दे देते थे। पुलकेशी टू जो था वो कहाँ रूल करता था, तो वो साउथ इंडिया में रूल करता था। पुलकेशी
सिचुएटेड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि हु हैज बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल, हु हैज बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल, या तो हु बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल ऐसा होगा, हु बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल, तो उसमें आएगा मंगलेश बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल। क्या आएगा? मंगलेश बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल। क्लियर है। फिर आपको अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच गेम्स वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, विच गेम्स वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। समझ में आया? मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ इसलिए ध्यान से सुनना है आपको। क्लियर। यहाँ पे गेम पूछा है, यहाँ पूछा है हू बिल्ट ग्रैंड विष्णु टेम्पल, तो मंगलेश, और यहाँ पे कौन सी गेम, तो चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस, डाइस की गेम। फिर पूछा है कि व्हाट आर द यूज फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होता था उसके लिए क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसा क्वेश्चन कुछ है, तो आपको लिखना है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस फॉर यूज एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्लियर। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस फॉर यूज फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। समझ में आया? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस फॉर यूज एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज, सॉरी विच थिंग्स वर एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ किंग हर्षा, किंग हर्षा के टाइम कौन सी चीज एक्सपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे, कौन सी चीज एक्सपोर्ट करते थे, ऑर्नामेंट्स, स्टैचू आइवोरी एंड कार्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड, कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, तो ऑर्नामेंट्स, स्टैचू आइवोरी एंड कार्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। क्लियर। ये सब जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करते थे, बोलो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर है आपको इतना, वो कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। तो अब जो है आप अपनी बुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड राजेश्वरी रन अवे
Chinese traveler to the Chinese traveler Yung Tisen. Yung Tisen जो है वही Chinese traveler है. उसमें दो question वैसे है, वो थोड़े बहुत different है, पर उसमें दोनों में एक ही पूछा है कि कौन Chinese traveler था, उनका नाम बताओ. तो आपको वहाँ पे Yung Tisen लिखना है. Clear है? जो दो question है दोनों में same ही answer आएगा, Chinese traveler Yung Tisen. और जो है आपको ये सब अपनी बुक में कॉपी करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी वर्कशीट के लिए. क्लियर?